हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, बिफोर आई स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ बुक एक्टिविटी जी, हेयर इज द वन टर्म क्लास क्लॉजेस, है ना? टर्म है आपके पास क्लॉजेस. क्लॉज होती क्या है? क्लॉज क्या होती है? ए क्लॉज मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. ए क्लॉज मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट क्लॉज. तो इसके दो टाइप होते हैं बेटा, टू टाइप्स. फर्स्ट इज टू टाइप्स हैं इसके, इंडिपेंडेंट और सेकेंड इज डिपेंडेंट. डिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है? सी हियर, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है इसमें, कंप्लीट थॉट होता है. दिस इज कंप्लीट थॉट. सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होता है कंप्लीट थॉट. मीन्स जो आपका सेंटेंस होता है वो कंप्लीट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं रहता है. और डिपेंडेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा बट नॉट अ कंप्लीट थॉट. नॉट अ कंप्लीट थॉट मीन्स सेंटेंस जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है. जैसे किसी के ऊपर डिपेंड होता है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, तो रीजन क्या है, क्यों बात नहीं करूंगा? तो ये आपको जो मीन्स आपका पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, नॉट ए कंप्लीट थॉट. तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट, मीन्स उसी जो फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है. ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट और ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ मूव टू योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर जी. मेक अ सेंटेंस विद ईच फ्रेजेस और क्लॉजेस. मैंने इसीलिए आपको फर्स्ट स्लाइड में क्लॉजेस समझाए हैं, बताए हैं, ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ. बिकॉज देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए अपना, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक टू हिम. मैं उससे बात करना नहीं चाहता. क्यों बात नहीं करना चाहता? तो मीन्स ये क्या हुआ, कौन सी क्लॉज हुई? डिपेंडेंट. हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को. कैसे होगा देखिए, जी का फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है जी का आई अवॉइडेड. आपको बुक पे ही लिखना है ये सब. आई अवॉइडेड मीटिंग. मैं उसे मीटिंग नहीं ले रहा. अतुल ड्यूरिंग द ब्रेक बिकॉज. आपको पूरा सेंटेंस वही का वही लिखना है. आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक टू हिम. ये हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड है ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून. देखिए आधा सेंटेंस है ऑन ए फ्राइडे आफ्टरनून. फ्राइडे आफ्टरनून क्या हुआ, है ना? कोई सेंस बन ही नहीं रही है इसकी. तो क्या हुआ, ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून. कंप्लीट करेंगे हम इसको, ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून क्या हुआ? फ्राइडे आफ्टरनून आई सिट एंड प्लान फॉर वीकेंड के लिए मैंने प्लान किया. नंबर थर्ड पे है और चाइनीज टून. तो चाइनीज टून क्या होगा? इज दैट अ चाइनीज ट्यून यू आर विस्लिंग. क्या तुम चाइनीज टोन में विस्लिंग कर सकते हो? यू आर विस्लिंग. अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी. क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पुट किया है. नाउ फोर्थ वन इज विच वॉज मेड ऑफ वुड. फोर्थ वन इज विच वॉज मेड ऑफ वुड. तो क्या बनेगा इसका, कि वुड से क्या बना हुआ है? सुनील सिलेक्टेड
द स्मॉलर बॉक्स, सुनील ने जो स्मॉलर बॉक्स सेलेक्ट किया है वो किसका, स्मॉलर बॉक्स विच वॉज मेड ऑफ वुड, विच वॉज मेड ऑफ वुड, वो किसका बना हुआ है, वुड का। नंबर फाइव पे है द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच बिटवीन जर्मनी एंड अर्जेंटीना, कि फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो किसके बीच में है, जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में। तो पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं सेंटेंस, इसको लिखेंगे आर नॉट, इसको मैंने अपोस्ट्रोफी एस लिखा, शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको हम पढ़ेंगे आर नॉट ही वी गोइंग टू वॉच द फीफा वर्ल्ड कप, बाकी पूरा सेंटेंस आपका वही है, मैच वर्ल्ड कप फाइनल मैच, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, फाइनल मैच बिटवीन, दैट इज योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटवीन, लेकिन आपको पूरी ही पूरा का पूरा बिटवीन लिखना है बुक के अंदर, जर्मनी एंड अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नाउ दिस इज योर जी एक्टिविटी, जी पार्ट ऑफ एक्टिविटी, सी योर एक्टिविटी एच, एच पार्ट है ना, अपना एच पार्ट देखिए, इसी में क्या है, देयर इज वन मिस्टेक इन एवरी सेंटेंस, स्ट्राइक इट आउट, राइट द करेक्ट है वर्ड ऑन द बैंक ब्लैंक, आपको ब्लैंक में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से जो भी मिस्टेक है वो आपको लिखनी है। तो आप देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख रही हूँ, ये आपका जो एक्टिविटी पार्ट हेयर है, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं आपको, देखिए फर्स्ट सेंटेंस अपना बुक पे ही देखिए, एच का फर्स्ट पार्ट है आपका, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स सच एज बर्ड्स इंसेक्ट्स एटसेट्रा, यहाँ पे देखो ये प्लूरल में है या सिंगुलर में है, या प्लूरल में, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, मैनी एनिमल्स भी हैं, तो ये जो हमारे पास हैज है वो हैज क्या है, हैज को हम कन्वर्ट करेंगे हैव में, क्योंकि हैज हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के लिए है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हैव में। और सेकेंड पार्ट है दे मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, तो मूव्स कोई सिंगुलर, मूव मीन्स वहां से चेंज होना, तो मूव्स कोई वर्ड तो नहीं बना ना, तो सिंगुलर में यही रहेगा, भले ही सिंगुलर हो प्लूरल हो हम मूव ही यूज करेंगे। थर्ड है एनर्जीज, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, एनर्जीज कोई वर्ड नहीं होता, एनर्जी सिंगुलर हो प्लूरल हो सेम रहती है। एनर्जी energy, एनर्जी, सी हियर फोर्थ इज प्लांट आल्सो शो मूवमेंट थ्रू नॉट द सेम काइंड एज इन द एनिमल्स, तो यहां पे क्या आएगा, प्लांट्स, प्लांट को क्या करेंगे हम, प्लांट को चेंज करेंगे हम प्लांट्स के अंदर। फोर पार्ट है ये आपका, नाउ हेयर इज फिफ्थ पार्ट इज इन द प्लांट्स द स्टेम्स ग्रो टुवर्ड्स द लाइट रूट, तो प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर रूट्स होंगी ना, फिफ्थ आएगा आपका, रूट को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, रूट्स में, एस लगा दोगे उसके साथ ओनली। सिक्स वन इज द फ्लावर्स ऑफ द सन, सनफ्लावर प्लांट चेंजेस देयर पोजिशन, चेंजेस नहीं होता है, चेंजेस को हम कन्वर्ट करेंगे, मैं यहां लिख रही हूं आप देख लीजिएगा, चेंज। क्लियर, दिस इज योर एक्टिविटी। नाउ आल्सो सी योर एक्टिविटी आई, आई में क्या है, रिप्लेस द वर्ड फॉर और फ्रेजेस इन द डार्क प्रिंट विद क्लासेस, जो आपको डार्क में लिखा गया है उसको आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, री राइट ईच सेंटेंस वी चेंजिंग द मीनिंग यूज द क्लास इन द ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है उसको आपने चेंज करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम,
इसका मैं फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड से स्टार्ट है तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा आय का, आय का फर्स्ट पार्ट क्या होगा देखिए, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु हैज इंफॉर्मेशन, हु हैज द इंफॉर्मेशन, सेकेंड लिख रही हूं, प्लीज कॉल मी एज सून एज पॉसिबल, यूज कैन, कैन को आपने यूज करना है तो प्लीज कॉल मी कैसे लिखेंगे सेंटेंस पूरा ही, एज सून एज आपको कॉल मी एज सून एज, सून एज यू कैन, कैन को यूज करना है तो सिंपली ऐड कर दीजिए उसको। नाउ हेयर इज थर्ड है आपका, ये रहा आई एम सैडेंड बाय द आइडिया ऑफ लिविंग, यूज दैट, तो थर्ड आपका है आई एम सैडेंड बाय द आइडिया, बाय द आइडिया दैट आई एम लिविंग। फोर्थ वन इज द आर्चर्ड गेट इज द एंट्रेंस, वेयर, वेयर आपको ऐड करना है, द आर्चर्ड गेट इज वेयर यू एंटर। फिफ्थ वन इज, फिफ्थ है आपका नाउ अ डेज देयर आर वेरी फ्यू पोस्टमैन, तो हु आपको यूज करना है, नाउ डेज देयर आर वेरी फ्यू हु वर्क एज पोस्टमैन। नाउ दिस इज कंप्लीट योर बुक एक्टिविटी आई, सी योर बुक एक्टिविटी के देखिए अपना, रीड दी सेंटेंसेज एंड राइट ओपिनियन एयर और फैक्ट ऑन द ब्लैंक्स। यू ऑल नो ओपिनियन और फैक्ट, ओपिनियन क्या होता है कि जिसका हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ अपनी राय देते हैं सही है या गलत है, वो डिपेंड करता है, और फैक्ट होता है ये निश्चित है पक्का। तो देखिए आपने ओपिनियन होगा तो ओ लिखना है, फैक्ट होगा तो आपने एफ लिखना है। सी फर्स्ट, ईशा थिंक्स दैट इट इज ऑल राइट टू स्किप मील्स, तो आपका क्या हुआ ये ओपिनियन, आप उसका अनुमान लगा रहे हो। इट इज एसेंशियल टू ईट थ्री मील्स अ डे, तो ये तो एसेंशियल है कि हमें एक दिन में तीन बार ही खाना चाहिए, ये तो फैक्ट है, तो इसके लिए हम लिख देंगे एफ। मुकुल प्रेफर्स टू हैव स्नैक्स इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स मील, फ्रूट्स बिटवीन मील्स, तो ये क्या है उसका ओपिनियन है कि राय है। जंक फूड इज अ बैड फॉर आवर बॉडी, तो ये तो फैक्ट है कि जो जंक फूड है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, दैट इज फैक्ट। स्किपिंग ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल इज अनहेल्दी, तो ये भी फैक्ट है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो स्कूल जाने से पहले, तो वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मैनी पीपल लाइक स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, हाउएवर सम से दे आर बैड फॉर टीथ, दैट इज ऑल्सो ओपिनियंस, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो चॉकलेट और ये सब होता है ये हानिकारक होता है। तो दैट्स इज योर कंप्लीट योर चैप्टर नंबर वन, सो राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर बुक, बट यूज ओनली पेंसिल, नॉट यूज पेन।